नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी विषय में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देख रहे हैं व्यंजन उच्चारण और लेखन। इसके पहले हमने व्यंजन उच्चारण और लेखन के दो भाग देखे हैं। ये है हमारा आखिरी भाग, ये है व्यंजन का चार्ट। इसमें से हमने पहले चार वर्ग देखे हैं, गो वर्गो, चो वर्गो, टो वर्गो, तो वर्गो। इसके आगे के व्यंजन हम इस सेशन में देखने वाले हैं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ग है प वर्गो। प वर्ग अर्थात ओष्ठ वर्ग। इस वर्ग में आने वाले व्यंजन को हम होठों से प्रोनाउंस करते हैं, होठों से इनका उच्चारण किया जाता है, इसीलिए इसे ओष्ठ वर्ग कहा जाता है। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये है ओष्ठ वर्ग। अब हम हर एक अक्षर से बनने वाले शब्द देखेंगे। प से पतंग, प से पतंग अर्थात काइट। फ से फल, फ से फल अर्थात फ्रूट। ब, ब से बस, ब से बस। भ, भ से भालू, भ से भालू अर्थात बियर। म से मछली, म से मछली अर्थात फिश। अब हम आगे जो व्यंजन देखने वाले हैं वो अलग अलग वर्गों से हैं। जैसे य और श तालु से प्रोनाउंस किए जाते हैं, इसीलिए उसे तालव्य वर्ग कहा जाता है या फिर तालव्य व्यंजन कहा जाता है। वैसे ही र, श ये मूर्धा वर्ग में आता है। ल, ल ये दंत वर्ग। जैसे जब हम ल प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, दांतों को टच करके जाती है, इसीलिए उसे दंत वर्ग कहा जाता है। और आखिरी है व। व प्रोनाउंस करते वक्त हमें दांतों का और होठों का दोनों का उपयोग करना पड़ता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ वर्ग कहा जाता है। तो चलो हम एक एक अक्षर देखते हैं, उनसे कौन से शब्द बनते हैं। य से यज्ञ, य से यज्ञ। र, र से रथ, र से रथ। ल, ल से लड्डू, गोल गोल मीठे मीठे लड्डू। ल से लड्डू। व, व से वाहन, व से वाहन, वाहन अर्थात व्हीकल। श, श से शेर, श, श से शेर अर्थात लायन। श, श से षटकोण, श से षटकोण अर्थात हेक्सागन। अगले जो दो व्यंजन है ह और स, ह प्रोनाउंस किया जाता है कंठ से, इसीलिए वो कंठ वर्ग में आता है। ह व्यंजन कंठ से प्रोनाउंस किया जाता है, इसीलिए वो कंठ वर्ग में आता है। स, स अर्थात दंत वर्ग में आने वाला अक्षर। स, जब हम स प्रोनाउंस करते हैं तो हम दांतों का उपयोग करते हैं, दांतों से प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए वो दंत वर्ग में आता है। स, स से सांप,
से सांप, ह ह से हाथ, ह से हाथ। अब हम जो व्यंजन देखने जा रहे हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल चार संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब ये व्यंजन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसके पीछे हमें दो व्यंजनों की ध्वनियों का पता चलता है। जैसे क्ष, क्ष व्यंजन में क और श ऐसे दो व्यंजन मिले हुए नजर आते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। त्र, त्र व्यंजन में त और र ऐसे दो व्यंजनों से मिलकर त्र बना है, इसीलिए इसे भी संयुक्त व्यंजन कहा गया है। ज्ञ, ग और य से य के जुड़ने से ज्ञ यह व्यंजन बन गया है, इसीलिए उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श्र, श और र ये दो व्यंजनों के मिलने से श्र बना है, इसीलिए इसे भी संयुक्त व्यंजन कहा गया है। क्ष, क्ष से क्षमा, क्ष, क्ष से क्षमा अर्थात सॉरी। त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल अर्थात त्रिडेंट। ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी अर्थात नॉलेजेबल। श्र से श्रम, श्र, श्र से श्रम अर्थात हार्डवर्क। हम सारे व्यंजनों का एक बार वाचन करेंगे। आप सारे बच्चों को मेरे साथ इन व्यंजनों को दोहराना है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो बच्चों आज हमने व्यंजन और व्यंजन के अलग अलग वर्ग देखे। आप सभी बच्चों को इन्हीं सारे व्यंजनों का सराव करते रहना है, व्यंजन प्रोनाउंसिएशन का सराव करना है और उसी के साथ व्यंजन लेखन का भी सराव करते रहना है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।